क्वेश्चन है, फातिमा एंड जॉन अपियर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। दो वैकेंसीज है सेम पोस्ट की, और इसके लिए फातिमा और जॉन जो है एक इंटरव्यू में अपियर होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फातिमा सिलेक्शन इज 1/7। फातिमा का सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/7। एंड दैट ऑफ जॉन सिलेक्शन इज 1/5। जॉन सेलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/5। देन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो इन सारे केस में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे दो इवेंट बनाए जा सकते हैं। तो लेट एफ एंड जे बी द टू इवेंट। एफ इवेंट अगर हम मान लें कि फातिमा विल सेलेक्ट, और जे इवेंट अगर हम मान लें जॉन विल सेलेक्ट। ये क्लियर? तो फातिमा सेलेक्ट हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/7। और जॉन सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/5। ये क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनेगी फातिमा सेलेक्ट हो जाए एंड जॉन भी सेलेक्ट हो जाए। तो ये हमें फाइंड करना है। सिंस एफ एंड जे आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पी एफ इंटू पी जे। ये क्लियर? तो पी एफ 1/7, पी जे 1/5, तो ये बन गया 1/35, जो कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। सेकेंड केस में ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, सिर्फ एक ही का सिलेक्शन होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अगर फातिमा सेलेक्ट होती है तो जॉन सेलेक्ट ना हो, और तो प्लस अगर फातिमा सेलेक्ट नहीं होती है तो जॉन सेलेक्ट हो जाए। तो इन दोनों केस में देखिए, सिर्फ एक ही का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सिंस एफ एंड जे आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ इंटू पी जे नॉट प्लस पी एफ नॉट इंटू पी जे। तो पी एफ ये है 1/7। अब यहां से अगर हम पी एफ नॉट पी जे नॉट कैलकुलेट कर ले, तो पी एफ नॉट ये बनेगा 1 - 1/7, तो 6/7। पी जे नॉट 1 - 1/5, यानी कि 4/5। ये क्लियर? तो पी जे नॉट 4/5, पी एफ नॉट 6/7, पी जे 1/5, तो ये बन गया 4 + 6 10/35। ये दोनों टर्म 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/7 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। थर्ड केस है नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, किसी का सिलेक्शन नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो देखिए ना ही तो फातिमा सेलेक्ट हुई एंड ना ही तो जॉन सेलेक्ट हुआ। और सिंस एफ एंड जे आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ नॉट इंटू पी जे नॉट। तो ये बन जाएगा पी एफ नॉट 6/7, पी जे नॉट 4/5, तो ये आ गया 24/35, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।